हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करेंगे। आईआईटी कानपुर में इसकी कट ऑफ कितनी रहती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में बताऊंगा। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मैं आप मेरे को उसमें कैटेगरी वाइज बताऊँगा। तो जो मैथमेटिक्स जो है वो मिलता है जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मिलता है 365 रैंक से लेकर 921 रैंक तक मिला था ये लास्ट बार। ओबीसी में मिला था ये 263 रैंक से लेकर 498 रैंक तक। एससी कैटेगरी में मिला था ये 316 रैंक से लेकर 580 रैंक तक। एसटी कैटेगरी में मिला था ये 166 रैंक से लेकर 308 रैंक तक। अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 900 के आसपास रैंक है तो आपको आईआईटी कानपुर में मैथमेटिक्स एवं कंप्यूटिंग ये वाली चीज़ बैचलर साइंस आपको मिल सकती है। ये कोई बीटेक का कोर्स नहीं है, ये बैचलर साइंस का कोर्स है, बीएससी का कोर्स है ये 4 साल का मैथमेटिक्स में, ठीक है? ये बात आप ध्यान रख लेना, ये बीटेक नहीं है, ये बीएससी है 4 साल की। और आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।